कि कल सीबी सीबी सीबीसी चैनल के ऊपर देख रहा था, बल्कि वो मैं रीड कर रहा था कि इन्होंने फर्दर इसके अंदर कुछ इम्प्लीकेशंस की हैं, मतलब कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं इसके अंदर, कि बल्कि ऑटो में जो पार्लियामेंट है इनकी, वहां पे भी एक एमपी थे, उन्होंने कहा था जी कि अभी 5 मिलियन जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं जिनके वर्क परमिट वगैरह जो एक्सपायर हो रहे हैं इन द कमिंग ईयर जनवरी फरवरी में, तो वो 5 मिलियन बनते हैं, तो उसके बारे में उसे कहा था कि इनको डिपोर्ट करें, तो वो भी थोड़ा सा है। इसके अलावा आपको पता ही है कि आपने भी वीडियो काफी शेयर किया है, मैं भी गाय करता रहता हूँ, कि इन्होंने लो वेजेस टीम पे जो LMIS है उसके ऊपर भी इन्होंने बैन कर दिया ऑल ओवर द कनाडा, कि कनाडा के कोई भी प्रोविंस लो वेजेस की जिसकी मतलब जो वेज होगी लेस देन $29 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर वो उस बंदे को LMIA प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बताएं कि ये तो चले एक किस्म का नामुमकिन नजर आ रहा है कनाडा का, मतलब जो लो एजुकेटेड पीपल हैं या जिनका जो लैंग्वेज प्रोफिशंसी है मींस के लैंग्वेज एबिलिटी के अंदर उनके मार्क्स वगैरह कम आते हैं, आइट्स वगैरह हो गया या काफी सारे हो गए, केल हो गया, इसके अलावा टोफल वगैरह हो गया, इस तरह के जो, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है जी? अगर कनाडा नहीं है तो दूसरा कंट्री, अभी करंटली यू आर सिटिंग इन यूनाइटेड किंगडम, अगर वो यूके आते हैं तो यूके को अगर आप कंपेयर करना चाहें कनाडा के साथ, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि व्हाट बेनिफिट्स दे कैन गेट इफ दे आर माइग्रेटिंग टू यूनाइटेड किंगडम ऑन अ इमिग्रेशन स्कीम लाइक और एनी इमिग्रेशन प्लान, या अगर वो विजिट वीजा पे आके अपने विजिटर स्टेटस को अगर वर्क परमानेंट कर दे, तो उसके अंदर क्या ऑप्शन आती है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इत्तफाक की बात है कि यूके को मुझे बड़ा करीब से देखने का मौका मिला है। काफी सारे सिटीज में घूम चुका हूँ और मजीद भी मेरा इरादा है घूमने का। काफी सारे लोगों से अंदर की बातों पर भी डिस्कशन हुई कि यार अंदर की क्या बातें हैं, वो बातें जो अमूमन जो है वो सरफेस पर नहीं आती या लोगों को नहीं बताई जाती। लोगों को यही पता होता है कि यार बंदा यूके गया तो शायद डॉलर या पाउंड जो है वो दरख्तों से उतार रहा होगा। अंदर की सिचुएशन अमीन भाई बड़ी डिफरेंट है। मैं बताऊं कि आज की डेट में भी इन 5 मुल्कों में, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, इन 5 मुल्कों में स्टिल पेपर्स में नंबर 1 पे आज की डेट में, इतना सब कुछ होने के बावजूद कनाडा में नंबर 1 कनाडा ही है और कनाडा ही रहेगा। ये भी मेरी बात याद रखिएगा। कनाडा, ठीक है इन 5 मुल्कों की मैं जब बात करता हूं तो इनमें पेपर्स में नंबर 1 ही रहेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कनाडा के पास लैंड मास बहुत बड़ा है और आबादी नहीं है। उतार चढ़ाव कनाडा पर आते हैं, आते रहे हैं, मजीद भी आएंगे, लेकिन लोगों को अकोमोडेट करने की जो सलाहियत कनाडा के पास है वो किसी और के पास नहीं है, और उनकी इकोनॉमी चल नहीं सकती इसके बगैर। नरम होगा, गरम होगा, लेकिन कनाडा हमेशा चॉइस, नंबर 1 चॉइस ही होगा लोगों की। कनाडा लोगों को अकोमोडेट करता रहेगा। अब जहां तक आ जाती है बात यूके की, यूके और कनाडा का क्या डिफरेंस है? अगर उसको देखा जाए तो एक बंदा अगर निकलता है तो उसके लिए कनाडा भी वैसे ही है जैसा कि यूके है। ठीक है, 5-7 घंटे और एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता है, यहां से हम कैलगरी जाए तो यहां से 8-9 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है। यहां पे अगर फर्ज करें पाकिस्तान से बंदा आता है तो 5-7 घंटे में यहां पहुंच जाता है, कनाडा जाएगा तो 14-15 घंटे कम से कम उसको लगेंगे टोरंटो में या किसी और उस जगह में। लेकिन दोनों मुल्कों में क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलपिंग कंट्रीज की निस्बत बहुत बेहतर है, ठीक बहुत है। बेहतर है। मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि तालीम के मौके दोनों मुल्कों में अच्छे हैं, कनाडा में भी बहुत अच्छे हैं, यूके में भी बहुत अच्छे हैं तालीम के मौके। आपको पता है कि दुनिया की बेहतरीन तालीम कनाडा में है और उससे कनाडा से भी अच्छी तालीम यूके में है। यानी कि अगर टॉप रैंकिंग में अगर आप देखा जाए तो अमेरिका के बाद यूके, बल्कि कुछ चीजों में तो यूके नंबर 1 पे आता है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में यूके के नंबर्स काफी सारे ऊपर हैं, क्योंकि लॉ यहाँ की, यहां से ओरिजिनेट हुआ है। तो काफी सारी चीजों में अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें इन दोनों की एक जैसी हैं। अच्छा, एज कहाँ पे आता है यूके के पास? मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूं आपको, एजुकेशन में थोड़ा सा एज है यूके का कनाडा पर। ठीक है, के
यूके की एजुकेशन ऑक्सफर्ड है, आपको पता है, कैम्ब्रिज है, उसके अलावा बड़ी टॉप क्लास